सिटी बस बंद हो जाने से हम लोग को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो चलती थी तो उसमें प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग ऑटो से आते तो जल्दी पहुंच जाते, वो तो उसका टाइमिंग था इस रोड पे इतने मिनट तक वो चलेगी, इसलिए हम लोग को उससे भी दिक्कत होती है। पैसे का ऐसा है कि वो टाइम नहीं दे पा रहा, उसका टाइम अपना रहता था, ऑटो से हम लोग को जल्दी पहुँचने में। रोहित मोबाइल की नई पेशकश, बजाज SDB TVS कार्ड बिल्कुल फ्री में बनवाएं, तो क्रेट में मोबाइल उपलब्ध, 0% फाइनेंस सुविधा के साथ आज ही संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं आदर्श श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर में चल रही सिटी बसों को अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है और बस संचालकों द्वारा ये सिटी बस बंद कर दी गई है। संचालकों का कहना है कि अभी बसों में पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे हैं। सिटी बसों के बंद हो जाने से आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ सिटी बस में बहुत किराया कम था, वहीं दूसरी तरफ अब ऑटो में ट्रेवल करने से यात्रियों के जेबों पर फिर से भार बढ़ने वाला है। सागर शहर में सिटी बसों के बंद हो जाने से आम जनता और रोज पढ़ाई के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक सिटी बस का बंद हो जाना लोगों की जेब पर असर डाल रहा है। जहां एक तरफ बस में किराए की बचत होती थी, वहीं दूसरी तरफ समय की भी बचत होती थी। कामकाजी लोग और स्टूडेंट का समय और पैसा दोनों ऑटो में आने जाने में खराब हो रहा है। इसी को लेकर कॉलेज के छात्रों ने बताया कि हम बहुत दूर से आते हैं, इसका असर हम लोगों पर पड़ रहा है। सिटी बस बंद हो जाने से हम लोग को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो चलती थी तो उसमें प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग ऑटो से आते तो जल्दी पहुँच जाते, वो तो उसका टाइमिंग था इस रोड पे इतने मिनट तक वो चलेगी, इसलिए हम लोग को उससे भी दिक्कत होती है। पैसे का ऐसा है कि वो टाइम नहीं दे पा रहा, उसका टाइम अपना रहता था, ऑटो से हम लोग को जल्दी पहुँचने में। हम लोग बस नई गल्ला मंडी से इधर तक आए, कॉलेज आए, इधर से इतना ही था। ऑटो में लगते है 10 रुपए, सिटी बस में लगता था 5 रुपए फाटक तक का, फिर उधर से इधर तक का, वो इधर तक नहीं आता। तो वहीं सागर निवासी बसंत चौरसिया का कहना है कि आधे से ज्यादा बस गैराज में खड़ी है, अगर चलाना ही है तो नियमित चलाएं या पूरी तरह बंद कर दे। लोगों को सिटी बस की आदत लग चुकी है और उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या फिक्स कर चुके हैं, अब अचानक सिटी बस का बंद हो जाना समस्या खड़ी कर रहा है। आम जनता को जो पैसा कम लगते बंद होगा, माने ऑटो टेम्पो वाले ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, जो गाड़ियां मंगाएंगी आज गैरेज में खड़ी है, एक दो चला रहे नाम को, आम जनता परेशान हो रही है। भाई तुम्हें तो चला नहीं थी तो रेगुलर चला नहीं, बंद कर दो पूरी। भाई आदमी को तुमने नियत डाल गई सस्ते की, अब उसके बाद बंद कर दो। अब ऑटो वाले टेम्पो वाले लोग लूट रहे हैं, उसके अलावा आपस वाले भी तो भी टाइम खराब हो रहा है, जहाँ एक घंटा लगने तो पता चला 2 घंटा लग रहा है। सिटी बस के बंद हो जाने के बारे में जब कलेक्टर से बात की गई तो उनका कहना है कि बस संचालकों की मांगों पर विचार किया जा रहा है, जल्द ही सिटी बस को फिर से चालू किया जाएगा। आदर्श श्रीवास्तव, सागर टीवी न्यूज। रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी, सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारा पता है रामप्याव के पास बड़ा बाजार सागर। फोन नंबर है 9009205959, 8818158811।